मेरे पास ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो देखो पेट जिनका जिनको फ्रेश ही नहीं होते, पेट खराब है। मैक्सिमम लोग जो हैं पेट से परेशान हैं कि हम फ्रेश ही नहीं होते। पेट में हमारी IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कोलाइटिस है, अल्सर है, इस तरह के पेशेंट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। जैसे कि मेरी बहू है, वो कहती है मेरे को सर्वाइकल है, सर्वाइकल है, सर्वाइकल है। जब वैद्य को मैंने किया, कहते हैं आपको सर्वाइकल नहीं है, आपका जो जो सिस्टम है आपका पित्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और आप सर्वाइकल सर्वाइकल की बात मत करो, पहले अपने पित्त को शांत करो तो आप 100% ठीक हो जाएंगे। तो आयुर्वेद एक पूरे शरीर की ट्रीटमेंट करता है, ना कि किसी एक बीमारी का। और नेचुरोपैथ भी टॉक्सिन को निकालता है तो शरीर की ट्रीटमेंट करता है, ना कि एक बीमारी का। जो ट्रेडिशनल मेथड है सही ढंग से वात पित्त को करने का, अगर कि किसी का सही डायग्नोज हो जाता है और उसके बाद डायग्नोज सही हो गया, फिर वो आदमी 100% क्योर होगा ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है डॉक्टर वीना सहगल। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद दोनों विधाओं को मिलाकर लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। इनके साथ जुड़े हैं आयुर्वेद के नाड़ी विज्ञान के गहरे जानकार, और वो जब नाड़ी विज्ञान से वात पित्त कफ का पता लगाते हैं और फिर जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट बड़ा कमाल का आता है। किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, किन किन बीमारियों के लोग ठीक हो जाते हैं, इसकी जानकारी लेंगे डॉक्टर वीना सहगल जी से, और आपको फिर ये भी बताएंगी कि आप बीमार ही न हो इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है वो भी जानेंगे। क्योंकि यदि आप सही दिनचर्या और सही खान पान अपनाएंगे जैसे ये बताएंगी, तो फिर इस तरह के सेंटर में आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनका भी मोटिव ये है लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके पास यहाँ पर हर तरह के मरीज आते हैं, आप नेचुरोपैथी से और आयुर्वेदिक दोनों पद्धति से ट्रीट भी करते हैं, तो क्या निकल कर आ रहा है कि जो पेशेंट और किस वजह से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं? पहले तो यही बता दीजिए कि आपके पास किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। सबसे पहली बात तो है, हम कहते हैं कि हेल्थ बहुत प्रीशियस है, लेकिन हेल्थ को प्रीशियस हम सिर्फ कहते ही कहते हैं। कहते हैं ना, जो प्रैक्टिस में चीज़ें लानी होती हैं हेल्थ को बनाने के लिए, वो हमारी प्रैक्टिस में नहीं है। मेरे पास ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो देखो पेट जिनका जिनको फ्रेश ही नहीं होते, पेट खराब है। मैक्सिमम लोग जो हैं पेट से परेशान हैं कि हम फ्रेश ही नहीं होते। पेट में हमारी IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कोलाइटिस है, अल्सर है, इस तरह के पेशेंट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो मेरे मानना ये है कि ये सारा जो आज ये सिस्टम बिगड़ा है, अगर वो नेचुरल लाइफस्टाइल अपना रहे होते, एक नेचुरल खाना खा रहे होते, तो शायद ये दिक्कत ना आती। तो मेरा जो इसमें निष्कर्ष है, पहला तो जो आदमी अपने पेट में डाल रहा है, जो एक सिस्टम है कि हमें खाना खाना है, वो कितना नेचुरल है। अगर वो नेचुरल है, बिल्कुल अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो नेचुरल तरीके से कुदरत दे रही है, अगर वो ले रहा है, तो हमारा ब्लड जो है वो कभी भी एसिडिक नहीं होगा। अगर ब्लड एसिडिक नहीं होगा तो हमारा ब्लड में ये सारी तरह की बीमारियां हमारी ख़त्म हो सकती हैं। तो मेरा व्यूअर्स को ये कहना है, सबसे पहले जो हम इतना पैसा कमा रहे हैं, शायद घर के सारे मेंबर ही लगे हुए हैं कि क्वालिटी लाइफ जीनी है, लेकिन हेल्थ को खोए बिना पैसा कमा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम शरीर में डाल जा रहे हैं, किस तरह से डाल रहे हैं, कितना टाइम अपने शरीर पर दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो उस खाने को पचाने के लिए जो हमारा मिनिमम, जो इतनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, सभी AC में बैठना पसंद कर रहे हैं, AC गाड़ियों में चलना पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत शरीर को हिलाना कि जो भी वो कैलोरीज ले रहा है, किसी फॉर्म में ले रहा है, वो बर्न हो रही है कि नहीं हो रही। अब जो इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, PCOD की दिक्कत आ रही है, ओबेसिटी की दिक्कत आ रही है, तो ये इसीलिए आ रही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना सेडेंटरी हो गया। हम मेहनत नहीं करना चाह रहे, हम शरीर का पसीना नहीं निकालना चाह रहे। तीसरी चीज़ सर, मैंने ये देखा है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, हर आदमी कंपटीशन में जी रहा है, तो स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि वो एक जो नेगेटिविटी है उनके, हमारे पास इतने डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के पेशेंट हैं, तो वे क्यों हैं? क्योंकि वो इतना स्ट्रेस रख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की बहुत ज़्यादा कमी है, कि हमें थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति को हमारा जो उससे लड़ने की जो ताकत है वो एक अच्छी वो होनी चाहिए। चौथा चीज़ मैं मानती हूँ कि एक बॉडी रेस्ट एंड स्लीप मांगती है। हर बॉडी अपने आप को रिवाइव करने के लिए उसको रेस्ट भी चाहिए और एक प्रॉपर स्लीप भी चाहिए। अगर एक आदमी 8 घंटे की नींद नहीं ले रहा है, बीच बीच में अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं कर रहा है, तो वो बॉडी रिचार्ज नहीं होगी। हर आदमी
थोड़ा सा रेस्ट पे, बीच बीच में 5 मिनट 10 मिनट अपनी आईज को अपनी बॉडी को रेस्ट दे, और रात को साउंड स्लीप ले कम से कम 6 से 8 घंटे। तो निचोड़ तो यही है कि शरीर किससे बना है, बेसिकली शरीर के अंदर है क्या। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मैं तो ये कहती हूँ कि प्रोटीनियस डाइट बिल्कुल बंद होनी चाहिए सर, क्योंकि प्रोटीन को हजम करने के लिए एक अच्छा मेटाबॉलिज्म की जरूरत होती है। जो मेरे पास 60 साल के ऊपर के लोग आ रहे हैं, तो मैं तो ये नहीं कहूँगी कि उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करें। अब हमारी जितनी भी मांसपेशियों की बनना था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होनी थी, हो गई, थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा प्रोटीन ना खाएं, क्योंकि प्रोटीन जो है इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता, और वो जब सड़ता है तो हमारी ये जो वात और ये जो दिक्कतें आ रही हैं बुजुर्ग को, वो दिक्कतें आ रही हैं जॉइंट्स में, बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड की बढ़ने की दिक्कत आ रही है, बाकी जितने भी वेस्ट हैं वो हमारी बॉडी में इकट्ठे होकर स्टोन की फॉर्म में या हमारे दूसरे जो बुरे एसिड हैं उस फॉर्म में हमारे साथ आ रही हैं। तो मैं तो ये मानती हूँ कि अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, अब कुलदीप जी मैं भी 65 ईयर्स की हो गई हूँ, मैंने भी 37 ईयर काम किया है, तो मुझे भी नहीं लगता कि मैंने भी कभी मैं किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास आज तक गई हूँ। शरीर को पहले संभालना ज़रूरी होता है सारे, अगर क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी हो जाने के बाद डॉक्टरों के पास आएंगे, 10 दिन एलोपैथी लेंगे, उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, फिर आयुर्वेद में आएंगे, उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पेशेंस नहीं है, बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। तो अगर कुछ प्रिवेंटिव मेजर, अगर हम पहले से कुछ अपने टिप्स ले लें कि हमें थोड़ी देर टहलना है फ्रेश एयर में, हमें थोड़ा ग्रीन नेचुरल फॉर्म में जो पत्ते हैं उनको लेना है, हमें थोड़ी सी नेचुरल डाइट लेनी है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट और सैलड को ज़्यादा लेना है, ये एल्कलाइन नेचर के होते हैं, एसिडिक फूड को कम करना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो बीमारियाँ आजकल हर आदमी जूझ रहा है कि 80% लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियाँ, हेरिडिटरी तो है ही नहीं। हेरिडिटरी कितनी बीमारियाँ, हेरिडिटरी तो बहुत कम बीमारियाँ, सारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियाँ, उसके कारण यही 4-5 ही हैं सर। स्ट्रेस बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आपके यहाँ पर किस किस तरह के पेशेंट पिछले 8 महीने में मेजरली आए, और उनका ट्रीटमेंट कैसे हुआ, कितना सफल हुआ? देखो कुलदीप जी, जो डायग्नोज होता है, जैसे हम एक दावा करते हैं कि एक गरीब आदमी MRI करवाने जाता है, एंडोस्कोपी करवाने जाता है, क्रोनस्कोपी करवाने जाता है, या बाकी जो टेस्ट हैं ये सोनोग्राफी करवाने जाता है, कलर्ड करवाने जाता है, तो शायद 5-10-15 हज़ार रुपये तो मिनिमम टू मिनिमम है। मैं जो ये ट्रेडिशनल मेथड है, अगर हमारे वैद्य के अंदर ये क्वालिटी है, मेरे पास जो वैद्य जी 8 महीने से बैठ रहे हैं, अगर उस वैद्य के पास क्वालिटी है, तो एक गरीब आदमी का ये 15-20 हज़ार जो टेस्टिंग पे खर्चा होता है, ये आसानी से हम बचा भी रहे हैं। क्योंकि जो ये वात पित्त और कफ का जिनको डायग्नोज आ गया सर, नाड़ी का परीक्षा सही कर ली, तो उसका तो कोई रोग रहता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे कैंसर पेशेंट आए, वो भी बॉडी बहुत एसिडिक हो चुकी थी, थ्रोट कैंसर था, रेक्टम कैंसर था, एस्थमेटिक पेशेंट हैं, डिप्रेशन पेशेंट हैं, पेट से तो बहुत ज़्यादा हैं, पित्त के रोग हैं, स्किन डिजीज़ वाले रोग हैं, तो जैसे जोड़ के हैं। हमारे इसके अंदर बहुत अच्छी थेरेपी भी है, आयुर्वेद में जानू बस्ती है, लेकिन जो नाड़ी वैद्य उनके वो देख के कहते हैं कि ये हड्डियाँ जो हैं उनकी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी हैं, मज्जा बिल्कुल सूख गया है, ग्रीस नहीं रही है, तो मुझे सभी को एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। पहले एक कुलदीप जी आपने वीडियो बनाई थी, तब हमने ज़्यादातर जोर नेचुरोपैथी का दिया था। अगर कोई आदमी आयुर्वेद में और चल के कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके पास रोज आके बैठूं, यहाँ 2 घंटे का टाइम नहीं, 3 घंटे का टाइम नहीं, आप कोई अच्छा ऐसा फार्मूला आयुर्वेद में बता सकते हैं जिससे कि मेरे ज्वाइंट ठीक हो जाए, जिससे मेरा कैंसर ठीक हो जाए, जिससे मेरा माइग्रेन ठीक हो जाए, जिससे मेरा पित्त शांत हो जाए, मेरा वात शांत हो जाए, तो इस मामले में हम बड़े लकी रहे हैं कि हमारे पास जो ये प्रोडक्ट हैं कबीर औषधालय के, बहुत चीप एंड बेस्ट रिजल्ट ग्रंट है। और इस मंच के माध्यम से मैं एक आश्वासन जरूर देना चाहूँगी, गलत कमिटमेंट हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे पास महीने में सर अभी 2 दिन ही नाड़ी वैद्य आ रहे हैं, ठीक है जी, जिसमें 100 OPD रहती है, 110 की OPD रहती है। अगर ये OPD बढ़ती है तो मैं आश्वासन ये जरूर देना चाहूँगी कि मेरे यहाँ पे जो भी पेशेंट आएगा उनका 110% जो डायग्नोज है वो बिल्कुल प्रॉपर होगा, जो हमारे एक्सपर्ट वैद्य हैं। और अगर वो दिशा मिल गई किसी को, बीमारी का पता लग गया, दिशा मिल गई, तो आगे उसके ऊपर ऑप्शन है, वो शोधन प्रक्रिया करवाना चाहता है या शमन प्रक्रिया करवाना चाहता है। शमन और शोधन, शोधन मीन्स 5-7 दिन लगाए हमारे पास हर बीमारी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और अगर वो दवाइयों से आयुर्वेदिक मेडिसिन से कम करना चाहता है तो वो 15 दिन एटलीस्ट हमारी इस मेडिसिन को ट्राई करे। और मेरे पास ये भी है कि कोई आदमी ये आगे कहता है मुझे सूट नहीं कर रहा, मेरे को ये नहीं कर रहा, तो सर हमारे इसमें मेडिकल उसमें जाके देख सकते हो, 100% हम वो मेडिसिन उस पेशेंट की वापस लेते हैं जो सेटिस्फाइड नहीं होता है।
और दूसरी बात यह है कि अगर उसको कोई चीज़ सूटेबल नहीं है तो खुली हुई भी है तो भी मैं उसकी वापस रखती हूँ, क्योंकि वो दवाई अगर किसी गरीब को चाहिए तो मैं वो दवाई किसी गरीब को दे देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये चीज़ है, तो मुझे तो निराशा नहीं मिली अभी तक। तो मे भी जो अभी एक गलत मिथ होता है आयुर्वेद से क्या होगा, उससे क्या होगा, तो शायद सही डायग्नोज नहीं करते। जब तक सर हमारा डायग्नोज नहीं होगा तो ट्रीटमेंट किसका? अब आपको लग रहा है कि आपको माइग्रेन है, लेकिन वो तो वैद्य ही बता पाएगा कि आपकी प्रकृति किस चीज़ की है। हो सकता है वो माइग्रेन ना हो सर, हो सकता है हमें लगता है कोलाइटिस है, मेरे को अंदर अल्सर बना हुआ है, क्योंकि मेरे कभी कभी बहुत ज़्यादा जलन होती है। जैसे कि मेरी बहू है वो कहती है मेरे को सर्वाइकल है, सर्वाइकल है, सर्वाइकल है। जब वैद्य को मैंने किया, कहते हैं आपको सर्वाइकल नहीं है, आपका जो जो सिस्टम है आपका पित्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और आप सर्वाइकल सर्वाइकल की बात मत करो, पहले अपने पित्त को शांत करो तो आप 100% ठीक हो जाएंगे। लेडीज़ के अंदर वाइट डिस्चार्ज की इतनी दिक्कत है, PCOD की दिक्कत है, वो उसी के पीछे भागती रहती हैं। तो आयुर्वेद एक पूरे शरीर की ट्रीटमेंट करता है, ना कि किसी एक बीमारी का। और नेचुरोपैथ भी टॉक्सिन को निकालता है तो शरीर की ट्रीटमेंट करता है, ना कि एक बीमारी का। हर रोग ठीक होता है, हर रोगी ठीक हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिवनेस चाहिए सर। और एक दवाई जो लेनी है वो बिल्कुल टाइमली लेनी है, कभी खाली कभी नहीं। दो चार चीज़ों का परहेज है। अगर आपका सर वात बिगड़ा हुआ है फिर भी आप राजमा खा रहे हो, सफ़ेद चने खा रहे हो, कड़ी खा रहे हो, तो वात को तो वो ट्रिगर करेगा ना सर। अगर आपका पित्त बिगड़ा हुआ है और फिर आप बहुत गर्म चीज़ें मिर्च मसाले डाले जा रहे हो अंदर, तो वो ट्रिगर करेगा ना सर, आप तो और बीमार होंगे। इसी तरह से अगर कफ बिगड़ा हुआ है तो ठंडी चीज़ें नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडी चीज़ें नहीं खानी। तो जो कफ कारक चीज़ें हैं, जो पित्त कारक चीज़ें हैं, जो वात बिगड़ा हुआ है, तो उनमें उन चीज़ों का परहेज बहुत ज़रूरी है। अगर हमें जल्दी से जल्दी रिलीफ लाना है, अपने आप को बॉडी को ठीक करना है, ये स्किल है सर, पुराना स्किल है। जिसके पास ये स्किल है, एक अच्छा स्किल है, वही इसका ज्ञाता बन सकता है। जो किताबों से अब इतने आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है उनका तरीका और है वात पित्त कफ का देखने का, जो ट्रेडिशनल मेथड है सही ढंग से वात पित्त को करने का। अगर कि किसी का सही डायग्नोज हो जाता है और उसके बाद डायग्नोज सही हो गया, फिर वो आदमी 100% क्योर होगा ही होगा। अगर डायग्नोज ही सही नहीं होगा, जैसे मान लो आप किसी वैद्य के पास चले गए, अगर आपका डायग्नोज ही सही नहीं हुआ तो आपका इलाज नहीं हो सकता सर। तो डायग्नोज होने के बाद, जैसे मैंने शुरू में पूछा किस किस तरह की बीमारियां यहां ठीक हुई, आपने बताया कि करीब 2000 मरीज पिछले 8 महीने में देख चुके हैं, तो किस तरह की और कितने मरीजों में कंप्लीट रिलीफ मिला? अब मैक्सिमम सर मैं ये नहीं कहूँगी कि 15 दिन में मिरेकल हो गए, क्योंकि ये क्रोनिक बीमारियों वाले सब आए थे, हारे हुए बंदे सारे। मिनिमम 2 मंथ उनको लगे हैं, 2 मंथ मीन्स 4 बार उनकी विजिट हुई है यहाँ। वैद्य के पास 15 दिन की मेडिसिन जाती है, 15 दिन में तो बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है, शरीर उसको एक्सेप्ट करना शुरू करता है। वैसे ज़्यादातर क्या है सर, वीट ग्रास है, सबको पता है वीट ग्रास एक बहुत अच्छा ग्रीन जूस है। अगर आपको अच्छी कंपनी का विदाउट पेस्टिसाइड विसाइड उसके एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, वो कैंसर रोधी है। मेरे पास कैंसर के पेशेंट आए, एक रेक्टम वाला और एक गले थ्रोट वाला। पहले नेचुरोपैथी में तब भी आ रहे थे, तो हमारा मेन कारण क्या है सर, उनके खाने पीने में कुछ चेंजेस लाए। 100% तो मैंने ये अभी नहीं कहूँगी कि 100% वो अब फ्री हो गए हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से, लेकिन 70-80% वो अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं, पहले से अच्छी क्वालिटी से लाइफ जी रहे हैं, पेन वाली ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। तो ये तो आपने कैंसर में रिजल्ट बताया, और बाकी क्या क्या चीज़ें? ज्वाइंट वाले मोस्टली जिनकी टेढ़े भी हो चुके थे घुटने, बैठ नहीं पा रहे थे। हमारी जानू बस्ती है, ऐसे होता है कि जैसे अब रोज़ तो कोई आ नहीं सकता मेरे पास, जैसे सिक्किम से, बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं सर। तो थेरेपी एक करने के बाद अगर वैद्य को मिल के और मेडिसिन चली गई हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई दिक्कत दोबारा आई है। तो उनके चाहे ज्वाइंट पेन हो, चाहे वो डिप्रेशन पेशेंट है, एंग्जाइटी पेशेंट है, रात को साउंड स्लीप नहीं है, माइग्रेन है, शेटिका है, सर्वाइकल है, ये हमारे तो ये सारे पेशेंट ठीक हुए हैं यहाँ पे विद इन ए फोर राउंड वैद्य के पास 4 राउंड में। कि जैसे ही ये धीरे 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 हमारा बैलेंस में आने लग जाता है, तो आदमी अपने आप को बहुत अच्छा फील करने लग जाता है। जब वात बिगड़ता है तो सर ये ड्राइनेस आती है ज्वाइंट्स में। तो ड्राइनेस जब होएगी बहुत ज़्यादा, तो हमारी थेरेपी प्लस वैद्य की मेडिसिन आदमी को चला देते हैं, ठीक कर देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह की बीमारियों में रिजल्ट आए हैं।
तो आपका कहना था कि 2000 में से करीब 400-500 तो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, या फालतू का उनको बार बार नहीं बुलाया जा सकता। जिस दिन उनके वात पित्त और कफ का बिल्कुल वो हो जाता है, ओके हो जाता है, तो वो दोबारा से पेशेंट अभी 4-6 महीने में वापस नहीं आए, इसका मतलब वो 100% ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर वीना सहगल जी ने बताया कि यदि आप सही खान पान सही दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो बीमार ही नहीं होंगे, और यदि बीमार हो भी जाते हैं तो ऐसे नाड़ी वैद्य को दिखाएं, ऐसे आयुर्वेद के जानकार को दिखाएं जिसे नाड़ी परीक्षण का सही ज्ञान हो, या फिर जिसे वात पित्त कफ पहचानने का सही ज्ञान हो, क्योंकि आयुर्वेद में वात पित्त कफ की यदि सही जानकारी नहीं होगी तो ट्रीटमेंट भी सही नहीं मिलेगा और फिर रिजल्ट नहीं आएगा, और फिर आप कहते हैं कि जी आयुर्वेद में भी हमने ट्रीटमेंट कराया और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इसके लिए जहां भी जाएं आप सही जानकार के पास जाएं। इनका नंबर हमने दिया हुआ है, लेकिन आपको बता दें क्योंकि इनकी भी एक लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा पेशेंट को नहीं देख पाते, तो फोन जरूर करें, टाइम मिले तो ही आएं, नहीं तो आसपास अपने कोई ऐसा आयुर्वेद का जानकार, नेचुरोपैथी के जानकार ढूंढें जो सही तरीके से इलाज करें ताकि आपको सही में स्वास्थ्य लाभ मिले और आपका पैसा भी बर्बाद ना हो। हमारी भी यही कोशिश है कि आयुर्वेद की सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचे, आयुर्वेद में जो ताकत है जो सदियों से चली आ रही है वो फिर से उसको वो मुकाम मिले, क्योंकि आजकल एलोपैथी को बढ़ावा है, एलोपैथी का अपना एक मुकाम है लेकिन आयुर्वेद कई चीजों में ज्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन शर्त यही है कि जानकार सही हो। आगे भी आपको ऐसे वीडियो दिखाते रहेंगे जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।